हेलो दोस्त, मेरा नाम बादल भिंगरा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा दिन है, आज होली का दिन है। आज जानते हैं कि पूरा विश्व, पूरा भारत देश में पूरा होली मनाया जा रहा है, लोग खुशी से मनाते हैं सारे लोग। तो यहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं इस गांव में, रामगढ़ जिला में, जो जहां अभी फ़िलहाल हम कई दिनों से रामगढ़ में हैं, इसलिए मैं यहाँ का कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आज इस होली का त्यौहार में लोग अलग अलग तरीक़े से लोग मनाते हैं। आप जानते हैं कि होली के त्यौहार में लोग कलर डालते हैं, रंग डालते हैं एक दूसरे को, अपने एक दूसरे को प्यार जताते हैं, खुशियां मनाते हैं रंग खेलकर। और ऐसे समय में पकवान भी बनता है, किसी के घर में मिठाई सब बनता है। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर किसी के घर में खस्सी बन रहा है, चिकन बन रहा है या बंडा बन रहा है। तो इस तरह से यहाँ सिलसिला हर फेस्टिवल में ऐसा होते रहता है। तो आज हम यहाँ पर ख़ास आपको इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहते हैं कि आज इस गांव में होली का फेस्टिवल में ये लोग, आज इस गांव के लोग मिलकर खस्सी काटे हैं। तो कैसे खस्सी काट रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा, आप बस वीडियो में बनिए और देखते रहिए। चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ दिखाने के लिए। देखिए कैसे काट रहे हैं। थोड़ा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। टांगी से काट रहा है, उसका गर्दन को अलग कर रहा है खस्सी का, देख लीजिए। पहली बार मैं ऐसा खस्सी को अपनी आंखों के सामने काटते हुए देख रहा हूँ उसका, कि पूरा अभी गर्दन को काट के अलग कर रहे हैं। थोड़ा झाड़ी हो गया है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए खून को लेके जा रहे हैं बच्चे। देखिए खस्सी को काट दिया है पूरी तरह से, इसको छीलेगा। पूरा खस्सी का सिर का घर से अलग कर दिया है, पानी डाल रहा है उसको। पानी से पूरा धो दिया है, अभी देखिए शैम्पू डाल रहा है। पूरा शैम्पू से धोएंगे, पूरा अच्छी तरह से साफ करेगा। पूरा शैम्पू से धो रहे हैं, पूरा जितना गंदगी है, बाल में गंदगी है, चमड़ी में सब साफ हो जाए। उसके बाद इसको धोने के बाद बाल को छीलेंगे, साफ करेंगे। ये बच्ची भी आ गई है अमरुद खाने के लिए,
ये बच्ची ऐसी बच्ची है, कुछ भी खा जाती है, इसको जो कुछ मिलेगा खाएगी। मतनी जैसा चलती है, गिरेगी उधर। तो अभी मैं आपको दिखाया, खसी को अभी धो रहे हैं। अभी दो शैम्पू लगेगा दोनों साइड धोने के लिए, शैम्पू को खसी को धोने के बाद फिर उसको बाल को छीलेंगे, साफ करेंगे, उसके बाद काटेंगे। चलिए आपको आप दिखाते हैं। देखिए अब छील रहे हैं इसको, खसी का सिर है, सिर को भी पूरी तरह शैम्पू से धो दिया है। ब्लेड से छील रहे हैं, तो रेजर होता है जो दाढ़ी बनाने वाला मशीन है, उसी से छील रहे हैं। अभी तक छिला रहा है, छिल के खत्म नहीं हुआ है। तीन लोग मिलकर एक खसी का बॉडी को छील रहे हैं। और एक भाई सिर को छील रहे हैं। यहाँ पपीता छील रहे हैं, नहीं, एक तरफ खस्सी का बाल छील के साफ कर रहे हैं, दूसरा तरफ पपीता का छिलका को छील के साफ कर रहे हैं। देखिए अभी पपीता छील रहे हैं, छीलने के बाद पपीता खा के भी एंजॉय करेंगे। देखिए हमारे विजय भाई पपीता छील रहे हैं। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है खसी का, ¡Gracias!
पीले फूल चार पे निकाला है। तो हाँ दोस्त, अभी आपने देखा किस प्रकार से खसी उसी काटा, मैं आपको दिखा दिया। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसलिए शॉर्ट में केवल हम वीडियो बना के दिखाएं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।